समुचे संसार भर के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब बहुत श्रद्धा भावना सत्कार सहित मनाया जा रहा है। अमृत वेले तो ही सुंदर दीवान सजाए जा रहे हैं तो जिस पल का जी इंतजार हों सारे जो अमृत वेले तो दीवान सजते हैं अलौकिक जो जुलाओ सजाए जाते हैं तो शाम वेले जिन्हां भी देश विदेश दीआं संगतां हुंदीआं ने उन्हां दी एक खिच रहिंदी है कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुँच के अलौकिक आतिशबाजी का आनंद माणिया जाए। सो आतिशबाजी जिहड़ी है वह शुरू हो गई है जिते संगतां दीपमाला कर रही हैं देसी घिओ दे दीवे जगा रही हैं अपना कीदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों के भेंट कर रही हैं उत्थे ही सुंदर ते अलौकिक आतिशबाजी का भी आनंद माण रही हैं। अज समुचे संसार भर के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब बहुत ही श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है। अज का वो पावन इतिहासक दिन से जो 1604 ईस्वी में अज के दिन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के जड़ा रामसर साहब की जो पावन धरती सी उतों अमृत वेले जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब ले जाया गया। सो पुरातन रवायत अनुसार जो सिख धर्म की पुरातन रवायत चली आती है उस मुताबक ही अज जो अमृत वेले उ आसा जी दीवार के कीर्तन हुए उस तो उपरंत इतने गुरु साहब जी ने बहुत श्रद्धा भावना के नाल रवायत अनुसार नगर कीर्तन के रूप के लिया गया। सारा दिन दीवान सजे तो इस मौके जो तुम अलौकिक रंग वेख रहे हो हरेक की तमन्ना होंगी है जिते भी गुरु नानक नाम लेवा सिख वसदा है उसकी ये तांग रही है उसकी ये तमन्ना रही है कि खास तौर पर वस्ती सघन अपार अनूप रामदासपुर खास तौर पर साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का जो प्रकाश पुरब हों उस वेले धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो पहला प्रकाश हों उस दिन जरूर सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पहुँचा जाए तो अपना अकीदा पेंट किया जाए। सो स्क्रीन पर तुम वेख सकते हो अलौकिक दृश्य अलौकिक नज़ारा सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो असी तुहानू दिखा रहे हैं। बहुत वड्डी तादाद के विच सिख संगतां इत्थे पहुंचियां होईयां ने डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहा उस महान मुकद्दस अस्थान के दर्शन दारे तुहानू असी करवा रहे हैं तो वेख सकते हो बहुत ही अलौकिक दृश्य जिहड़े ने वह वेख्या ही बनते हैं। अमृत वेले तो संगतां जिथे सारे दिन के जो कीर्तन समागम सन गुरमत समागम सन उन्होंने आनंद माणिया उस तो बाद खास तौर पर जो शाम को दीपमाला होंगी है उस वेखण के लिए संगतां दे विच डाढ़ा उत्साह रहिंदा है तो ये गुरपुरब ऐसे गुरपुरब होंदे हन जिथे संगतां वालों देसी घिओ दे दीवे बाल के अपने पावन प्रकाश पुरब गुरुआं दे प्रकाश पुरब मनाए जाते हैं। सो तस्वीरां लगातार तुहानू एबीपी साझा ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो दिखा रहे हैं जिथे बहुत ही अलौकिक दीपमाला हुई है तो संगतां मनोहक जो आतिशबाजी है उसका आनंद माण रही हैं। जिस पासे भी नज़र जा रही है वड्डी तादाद दे विच संगतां जिहड़ा जिकर सचखंड श्री हरिमंदर साहब के चुगिरदे की गल की जाए तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब का चुगिरदा संगतां दे नाल इस समय जो भरिया होया है किते भी पैर रखण की भी जिहड़ा जगह नहीं है सवेर तो ही घंटिया बद्धी जिहड़ी चार चार पाँच पाँच घंटे वारी अपनी उडीक करके संगतां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों के अपना अकीदा पेंट करन दे लई पहुँच रही हैं। सो इस वेले का भी खास इंतजार रहिंदा है भावें वह गुरु रामदास पातशाह का प्रकाश पुरब होवे भावें गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब होवे सतखंड श्री हरिमंदर साहब विखे सुंदर जलाओ जिहड़े ने विशेष दिहाड़ियां नूं समर्पित सजाए जाते हैं उसे लड़ी तहत अज भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो पहला प्रकाश पुरब से उस नूं समर्पित अज सवेर तो ही दीवान सजाए गए। श्री अकाल तख्त साहब जिथे सुंदर जलाओ सजाए गए उत्थे बाबा अटल राय जी ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे सुंदर जलाओ सजाए गए जिस तों बाद शाम नूं रहरा साहब जी की बाणी तों बाद जो आरती जदों शुरू होंदी है ते नाल ही संगतां दे विच खास उत्साह रहिंदा है सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे जो अलौकिक दीपमाला ते आतिशबाजी वेखण दा। पिछले कुछ समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यह कोशिश रही है कि वातावरण नूं मुख रखदिआं खास तौर पर जो आतिशबाजी है उसनों पोल्यूशन रहित जिहड़ा वो किया जाए ताकि पोल्यूशन जिहड़ा रहित ग्रीन
जी उस हर पद्धर जरा मनाने का यतन किया जाए। सो उस मुख रखद हो जरा सीमित तौर पर बेशक आतिशबाजी की जाती है, पर फिर भी जो रवायत चली आती है उसनों मुख रखद हो संगतों के डाढ़ा उत्साह हों कि इस मौके पर जरूर अलौकिक दृश्य अलौकिक रंग जोड़े ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब की पावन धरती तो उन्होंने जरूर वेखे जाए। सो लगातार लाइव तस्वीर तो असी दिखा रहे हैं उस महान मुकदस स्थान दिया जिथे हर एक श्रद्धा होंगी है, हर एक का यह अकीदा हों कि अज के दिन इस महान मुकदस स्थान पर जाया जाए तो श्रद्धा के फुल पेंट किए जा। सो लगातार तस्वीर सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो वह महान पावन पवित्र स्थान डिठे सभे था नहीं तुद जिहा। अज का दिन वो इतिहासिक दिन है जदों 1604 ईस्वी में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश होया सी। यही वो महान मुकदस अस्थान सी, बाबा बुढ़ा जी पहले ग्रंथी सन ते अज दे दिन ही संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। समुचे संसार भर दे विच समुचे सिख जगत दे विच इस दिन की एक खास अहमियत एक खास महत्ता हुंदी है। सो सवेर के जो दीवान सजे सन उन्हां दी समाप्ति जिहड़ी आतिशबाजी दे नाल हुंदी है लगातार जिहड़े वो समागम जिहड़े ने वो चल रहे ने। सो लगातार इत्थे वेख सकते हो वड्डी तादाद दे विच संगतां जिहड़ियां ने वो इत्थे पहुंचियां होईयां ने ते अपना अकीदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां दे विच पेंट कर रहियां हन। तस्वीरां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तों सो लगातार असी तुहानू दिखा रहे हैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब की उस मुकदस धरती तो वह तस्वीर अज समुचे सिख जगत के अज के दिन बहुत श्रद्धा भावना के नाल मनाया जाता है। अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब है तो अदारा ABP सांझा वालों भी तुहानू पल पल की अपडेट सारे दिन की कवरेज दिखाई गई। एक बार फिर जिन्हिया भी संगत अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब के दर्शन के दायरे कर रही हैं सारियां नू श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां। ABP सांझा जोश जज्बा जुनून।